हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज बात करेंगे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मॉड्यूल वन का। लिखिएगा बाबू, मॉड्यूल वन। ये कैलकुलस है स्टूडेंट्स, कैलकुलस में मॉड्यूल वन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और इसमें जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो आपका है टॉपिक ई वैल्यूज एंड इनवैल्यूज। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ई वैल्यूड और इनवैल्यूड जो है स्टूडेंट्स, हम लोग कर्व कब पढ़ते हैं, एक ऐसा कर्व जैसे कि आप लोग ट्वेल्थ में पढ़े होंगे प्लेन कर्व के बारे में। अगर कोई एक्स वाई एक्सिस है और उस एक्सिस में अगर कोई कर्व, चाहे वो पाराबोला का हो या हाइपरबोला का हो या इलिप्स का हो या सर्किल का हो या स्ट्रेट लाइन का हो, तो उसका इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा। टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन पढ़े थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना सीखे थे। आज स्टूडेंट्स इवेल्यूट्स एंड इनवैल्यूट्स के अंदर हम लोग ऐसे कर्व के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेस में कुछ इस प्रकार का कर्व हो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा स्पेस है, ठीक है, और इस स्पेस में कोई कर्व इस तरह से है या कोई कर्व इस तरह से है या कोई इस तरह से कर्व है। जब दो कर्व को पॉइंट बाय पॉइंट मिलाया जाएगा और उस पे टेंजेंट और नॉर्मल हम खींचेंगे, तो वहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगा उसी इक्वेशन का इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे इवेल्यूट्स और इनवैल्यूट्स के अंदर। जब दो कर्व के पॉइंट को एक एक के साथ मिलाएंगे, प्रत्येक पॉइंट, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इसके प्रत्येक पॉइंट को बी से जब मिलाएंगे स्टूडेंट्स, तो कौन सा पॉइंट एक दूसरे का इवेल्यूट्स और इनवैल्यूट्स कहलाएगा, इस पर विचार करेंगे। यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, मतलब स्पेस में विभिन्न प्रकार के कर्व, जब दो कर्व को आपस में मिलाया जाता है, इस दोनों कर्व से बनने वाले जो इक्वेशन होंगे उसी को हम कहेंगे इवेल्यूट्स और इनवैल्यूट्स। किस कर्व को कहेंगे इवेल्यूट्स और किसको कहेंगे इनवैल्यूट्स, इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो उसी पर सेंटर ऑफ, इसको इवेल्यूट्स और इनवैल्यूट्स को जो हम पढ़ेंगे ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कौन कौन से पॉइंट पे विचार करेंगे जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन को इवेल्यूट्स और इनवैल्यूट्स निकालना आसान हो जाएगा, और जिस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको पढ़ने से पहले वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय व्यतीत किए हुए विचार कर लेते हैं। आप लोग क्या करो, कलम कॉपी से लिखते जाओ जो लगे आपको लिखने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर पैराबोलिक फंक्शन भी होगा, मतलब दो तीन टाइप के इक्वेशन होंगे, फंक्शन होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम विचार करेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ प्लेन कर्व का हो या सर्किल टाइप का होगा, या सीधे लिख देते हैं कर्व्स, इक्वेशन ऑफ वन कर्व, कर्व
इक्वेशन ऑफ वन कर्व एंड टू कर्व, ना? यानी एक कर्व से जो भी फिगर बनेगा उसका इक्वेशन निकालना सीखेंगे, फिर टू कर्व से जैसे कि सर्किल, सर्किल के साथ स्ट्रेट लाइन, सर्किल के साथ पाराबोला, हाइपरबोला, प्लेन के साथ प्लेन, इस तरह के इक्वेशन, फिर इलिप्स का पढ़ेंगे, फिर पाराबोला हाइपरबोला के पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना? यही चीज़ आपका सिलेबस में दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट ये जो तीन पॉइंट है आपका, ये और ये, इस तीनों से आपको दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से एक क्वेश्चन स्टूडेंट रहता है सब्जेक्टिव, और दो क्वेश्चन स्टूडेंट रहता है ऑब्जेक्टिव। किससे? इस तीनों से, एक दो और तीन से। एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव, दो क्वेश्चन रहेगा अथवा में कोई एक बनाना है, और दो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अगर मान लेते हैं चार नंबर का ये पूछता है और ये एक एक नंबर का पूछता है, तो 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल से, इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और इक्वेशन ऑफ वन कर्व और टू कर्व से। उसके बाद हम लोग चले आएंगे इवेल्यूट्स और इनवेल्यूट्स, इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? यही आपके सिलेबस का पार्ट है, यहाँ से जितना क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है? नोट कर लीजिए। मॉड्यूल 1 में सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना, बहुत सारा चीज़, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, लेबनीज थ्योरम, बहुत सारे टॉपिक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले तो विचार करेंगे इस तीनों पे, ठीक है? नोट कर लीजिए। आप लोग इसे पढ़े भी होंगे, ये ऊपर वाला तीनों, कर लिए नोट? चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग दीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब आप लोग एप्लीकेशन पे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क्वालिटी को घटाने बढ़ाने का, ठीक है? क्वालिटी आप ज़्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। मैं कहूँगा कि क्वालिटी को थोड़ा, मतलब आपको अक्षर दिख रहा है क्योंकि MB खाता है बहुत ज़्यादा, तो क्वालिटी को आप थोड़ा डाउन करके देखना, ठीक है? जिससे बस दिखना चाहिए, ठीक? क्वालिटी को थोड़ा कम करके, अगर बहुत सारा डाटा है तो आप क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड बढ़ाया जा सकता है। अगर लगता है कि मैं, कोई भी टीचर स्लो ही पढ़ाता है, तो उसमें स्पीड दिया है कि आप उसका 1 नॉर्मल हो गया, 1.5 होगा, फिर 2 होगा, 1.75 होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कि मेरे बातों को आप समझ रहे हो, उतना स्पीड करके देखना चाहिए, या फिर आप नॉर्मल करके भी देख सकते हो, जैसे आपको लगे, ठीक है? फुल स्क्रीन करने का भी ऑप्शन रहता है, सारा चीज़। और इस वीडियो को अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहते हैं तो उस पर भी अवेलेबल है फंक्शन, लेकिन इसके लिए आपको संस्थान से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? लैपटॉप पर भी। सबसे पहले बात करेंगे बाबू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का। देखिएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि एक प्लेन है XY, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई एक कर्व है इस तरह से, ये कर्व है, ठीक है? और इस कर्व के किसी पॉइंट पे, एक लाइन को इस तरह से खींच दिया जाए, ठीक है? कहीं से गुजर रहा है, ठीक है? और इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे ये टच करता है, तो स्टूडेंट इसको कहते हैं टेंजेंट, इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कर्व के, कर्व को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। अगर ये कोई कर्व है स्टूडेंट्स और इस तरह से लाइन खींच दिए हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्ट, इसको टेंजेंट स्टूडेंट हम नहीं कहेंगे। टेंजेंट किसको कहेंगे कि कोई भी कर्व होना चाहिए, उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। और कर्व पे एक नहीं, इन्फिनाइट टेंजेंट खींचा जा सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये सर्किल भी क्या है, एक कर्व है, और यहाँ पे एक हम लाइन खींच दिए, क्या है, ये टेंजेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट हम खींच दिए, क्या है, टेंजेंट है।
यहाँ भी हम खींच दिए, देखिए क्या है, टेंजेंट है, यहाँ भी खींच देंगे टेंजेंट है, यहाँ भी खींच देंगे टेंजेंट है। या फिर देखिए ये पाराबोला का है, यहाँ पे हम खींच दिए, यहाँ पे टच कर रहा है, मानो ये टच करना चाहिए, ध्यान रखना, टच नहीं करेगा तो नहीं होगा। यहाँ भी, यहाँ पर भी हम स्टूडेंट खींच सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर भी हम खींच सकते हैं, अगर यहाँ पे खींचते हैं बस टच करके जाना चाहिए। मतलब कर्व पे हम इन्फिनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट, ये जो लाइन है इसका हम नाम दे देते हैं टी है, और कुछ और नाम दे दीजिए इसका, ये जो इधर भी जा रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, भाई टच करे नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम देते हैं ओ टी। और टेंजेंट कर्व को जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो हम खींचते हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ, टेंजेंट के साथ, तो उसको कहते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे टच कर रहा है उसको एम कर देते हैं। कर्व के जिस पॉइंट पे कोई लाइन टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो उसको कहते हैं टेंजेंट, और जहाँ पे वो टच कर रहा है उस बिंदु पे, उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लंबवत लाइन खींचते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल और टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी कर्व है उसको अगर कोई लाइन टच कर रहा है तो वो टेंजेंट होगा, और उसी बिंदु पे कोई लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए तब उसको हम कहेंगे नॉर्मल। अब ऐसा नहीं कि ये कर्व है और यहाँ पे हमने खींच दिया और यहाँ पे हम 90 डिग्री बना दिए, यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा है, ये टेंजेंट है, तो क्या हम इसको नॉर्मल कहेंगे स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं कहेंगे, 90 डिग्री तो बना रहा है यहाँ पे, लेकिन टच तो कर्व को यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे खींचना चाहिए था, तब इसको हम कहेंगे नॉर्मल, ना कि इसको, इसको किसी कीमत पे नहीं कहेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे और पढ़े भी होंगे आप 12th 11th क्लास में। तो इसी लाइन का, ये जो टी ओ टी है, ये जो लाइन है ये, इसी का इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, और इस पे जो वो उसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एन एम एन, इसका जो इक्वेशन निकालेंगे वो कहलाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बात समझ गए? आगे देखिए स्टूडेंट्स, स्लोप, स्लोप के बारे में समझिए। स्लोप को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट ढाल, क्या कहते हैं? ढाल। स्लोप जैसे कि आप डैम होता है ना, बांध, बांध से नीचे उतरते हैं तो एक स्लोप होता है, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वो एक स्लोप बना रहता है, मतलब एक तिरछी लाइन इस तरह से, इसको कहते हैं, ये जो लाइन है ये इसको कहते हैं स्लोप यानी ढाल। स्लोप निकालने का फॉर्मूला देखिए, अगर एक पॉइंट से किसी एक बिंदु से ए नंबर में ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट से अगर कोई लाइन एक क्रॉस कर रहा है, जा रहा है, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन व्हिच पासिंग थ्रू वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से अगर वो लाइन गुजर रहा है तो इसका जो स्लोप होता है, फॉर्मूला वाले होता है इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी, किसी एक बिंदु से गुजरने वाले लाइन का ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रो, व्हिच पासिंग थ्रो वन पॉइंट, कितना पॉइंट से? एक ही पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, एक पॉइंट से अगर गुजर रहा है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे स्टूडेंट जो m है यही स्लोप है, और m जो है यानी स्लोप हम लिख देते हैं, स्लोप जो है स्टूडेंट्स क्या होगा? m, m को क्या बोलते हैं? स्लोप। m को क्या बोलते हैं? स्लोप, यानी x के साथ में जो m मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। इसके नीचे एक एग्जांपल लिख लेना बाबू, इसके जस्ट नीचे जो मैंने ये लिखा ये लिखो, इसके बाद ये फिगर बना लो, उसके बाद एक नंबर दे के स्लोप यानी ढाल लिख लेना, और ए नंबर स्मॉल ए लिखना ओनली वन पॉइंट, उसके बाद वाई बराबर एम एक्स प्लस सी,
उसके नीचे लिखना इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू वन पॉइंट, और उसके नीचे लिखना स्लोप बराबर m, ये जो m है स्लोप, उसके नीचे एक एग्जांपल दीजिएगा। अगर है y बराबर रूट थ्री एक्स प्लस नाइन, तो यहाँ पे जो m के जगह वैल्यू है क्या है, यहाँ x के साथ रूट थ्री है, तो यहाँ पे देखो x के साथ क्या है m, तो जब इसको हम बराबर करेंगे तो ये किसका वैल्यू है m का, तो इसका स्लोप हो जाएगा कितना, तो रूट थ्री। स्लोप क्या हो जाएगा बाबू, रूट थ्री हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और, दूसरा एग्जांपल लीजिए। अगर है y माइनस एक्स बराबर माइनस नाइन, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, थोड़ा उस तरह बनाओ इक्वेशन इस तरह से, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, तो ये बन जाएगा बाबू y बराबर ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस नाइन, इसीलिए m बराबर x के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसी को कहते हैं स्लोप। तो यहाँ x के साथ में कौन सा नंबर है, वन। अब कहोगे सर c तो यहाँ पे प्लस है, प्लस नहीं तो दिए, तो c का मान अगर पूछे तो माइनस नाइन हो जाएगा, और m के साथ में कुछ नहीं है तो वन है, यही इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है, m मीन्स स्लोप। एग्जाम्पल नंबर थ्री देखिए बाबू, अगर है थ्री वाई प्लस टू एक्स बराबर एलेवन, तो इसको हम लिखेंगे इस फार्मूला के रूप में, ये हो जाएगा थ्री वाई बराबर माइनस टू एक्स प्लस एलेवन, हमेशा y को पॉजिटिव में लिखना है प्लस के रूप में, ये x वाला माइनस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, y को प्लस के रूप में लिखेंगे। अब देखो y हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, इसके साथ में जो कांस्टेंट होना चाहिए वो हमेशा वन होना चाहिए, इसके साथ में कोई नंबर यानी एक के अलावा कोई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, बस इस रूप में होना चाहिए। तो तीन को उधर ले जाएंगे तो बाबू क्या बन जाएगा, वाई बराबर माइनस टू बटे थ्री एक्स प्लस एलेवन बटे थ्री। अब देखिए एक्स के साथ में मल्टीप्लाई है माइनस टू बटे थ्री, यही इसका स्लोप होगा, तो लिखेंगे इसीलिए m बराबर कितना माइनस टू बटे थ्री, ये इसका स्लोप हो गया। अगर c का वैल्यू पूछेगा तो 11 बटे थ्री। आई होप कि आपको अच्छे से स्लोप निकालना समझ गए होंगे, अगर कोई एक इक्वेशन इस रूप में इस फॉर्म में दिया गया है या किसी एक पॉइंट से वो पास कर रहा हो, ठीक है। बी नंबर देखिएगा स्टूडेंट्स, स्लोप m बराबर होता है डी वाई बटे डी एक्स। अगर किसी फंक्शन को x, अगर y बराबर x के रूप में फंक्शन है तो हम उसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना, तो उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन वन टाइम्स, यानी उसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। किसी फंक्शन को एक बार उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी आ रहा है वो उसका स्लोप कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक था कि जब किसी एक पॉइंट से गुजर रहा था तब स्लोप हम निकाल लिए थे, अभी और बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, बहुत चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको, तब जाएंगे हम सिलेबस पे, सिलेबस ही है समझिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो एग्जाम्पल है आपका वाई बराबर एक्स पर पावर थ्री बटा फोर प्लस फाइव, कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए x पर पावर है तीन बटा चार, अब कहोगे सर x के साथ में वन मल्टीप्लाई है, क्या यही स्लोप है, बिल्कुल नहीं। हम बार बार कह रहा हूं कि x पर पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तब उसके साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो उसका स्लोप है। लेकिन यहां पे देख रहे हैं x पर पावर तीन बटे चार है, यानी x के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है वह उसका स्लोप नहीं होगा। तो यहां से हम निकाल लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएट, तो x के रिस्पेक्ट इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, आपको पता होगा पावर पहले मल्टीप्लाई होता है थ्री बटा फोर, फिर एक पावर घटा दीजिए, तीन बटे चार में से एक घटाओगे तो माइनस एक बटा दो हो जाएगा, और कांस्टेंट है, सॉरी एक बटा चार होगा ना, यानी तीन बटा चार में से एक माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एक बटा चार, माइनस एक बटा चार, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, जीरो, आपको पता ही होगा ये चीज़।
अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि डी बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वही इसका क्या है, स्लोप है। ये क्या है इसका, स्लोप। जहाँ डी बाई डी एक्स है उसके बदले में हम एम लिख सकते हैं, और एम का मतलब ही होता है स्लोप। अगर इसमें कोई पॉइंट दिया रहता, चलो ये इसका क्या है, स्लोप है, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया रहता तो हम वो वैल्यू पुट कर देते तो हमारा आंसर निकल जाता। चलिए एग्जाम्पल नंबर दो लेते हैं, बस एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ लिखते हैं फाइंड स्लोप स्लोप y बराबर 4x पे पावर 9 प्लस 7 व्हिच पासिंग थ्रो पासिंग थ्रो पॉइंट टू थ्री। कहता है कि y बराबर 4x पावर 9 प्लस 7 का स्लोप फाइंड करे जब ये पॉइंट 2-3 से गुजर रहा है ना। तो देखिए y बराबर क्या है बाबू, y बराबर है 4x पावर 9 अब प्लस 7 प्लस 7। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 9 चौक 36 और एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा 8, कॉन्स्टेंट का 0। इसीलिए स्लोप यानी m बराबर क्या बन जाएगा बाबू, यानी dy वाई बटे डी एक्स किस पे, दिए गए पॉइंट 2-3 पे, पॉइंट यही था 2-3 से गुजरने वाला। अब देखिए dy वाई बटे डी एक्स का वैल्यू क्या है, 36 x पे पावर कितना 8 और इसका वैल्यू कितना 2-3 पे। अब देखिए जो 2-3 पॉइंट दिया गया है, यानी पॉइंट जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है एक्स वाई के रूप में, यानी पहला जो होता है पॉइंट वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे जो पहले 2 दिया वो एक्स का वैल्यू है और 3 किसका, वाई का, तो हम एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। अब इसमें कहोगे 3 पुट नहीं करेंगे इसीलिए क्योंकि इसमें वाई नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे जाके नहीं पुट कर देना। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 36 गुना एक्स के जगह 2 पुट कर देंगे और 2 पे पावर कितना 8, अब इसको गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दिए गए पॉइंट पे। चलिए एग्जांपल, अगला एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे लिखा है वाई बराबर 2x पावर 3 प्लस 7y पावर 4, ठीक है, आप पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो है आपका 1-2, ठीक है, 1-2 से ये पास कर रहा है। तो कहता है इसका स्लोप क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इन्हें कि यहीं पे x और y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x की जगह 1 y की जगह 2, बस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ से हो जाएगा आपका dy वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 × 6x² प्लस, ये हो जाएगा 7 चौक 28, छोटा ले लो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, गुना भाग करने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट्स 3y पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 3 × 6y (dy/dx). अब देखो थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसे नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर देखिए x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, dx/dx कट के कितना होता है x 1, और y का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है dy/dx, यानी x के रिस्पेक्ट करेंगे तो कटेगा नहीं। अच्छी एक चीज़ और, अगर यहाँ पर है स्टूडेंट्स y बराबर x + 4y² तो ये हो जाएगा dy/dx और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 4 × 2 = 8। अब y में से एक घटाएंगे क्या लिखेंगे, y, ये y² है, इसमें से एक घटाओगे तो y बचेगा,
फिर y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखा था, dy बटे dx ना, ऐसा डिफ्रेंशिएट हम लोग सीखे हैं। इसीलिए वहां पे dy बटे dx रहा। अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत क्या होने वाला है, दिक्कत यह है कि स्टूडेंट्स यहां यहां भी dy बटे dx है, यहां भी dy बटे dx, तो ये दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। यहां हो जाएगा आपका dy बटे dx, और जिसके साथ dy बटे dx है उसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6y, और dy बटे dx इक्वल टू 6x स्क्वायर। यहाँ से हम dy बटे dx कॉमन लेंगे dy बटे dx, तो बचेगा क्या 1 माइनस 6y बराबर 6x स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं dy बटे dx इक्वल टू 6x स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस 6y। ये तो वन टाइम्स हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, ये स्लोप हो गया इसका, लेकिन पॉइंट भी दिया गया है, अगर पॉइंट नहीं रहता तो यही मेरा आंसर होता, बट इसमें पॉइंट दिया गया 1 2 1 2 का मतलब x के जगह 1 पुट करेंगे और y के जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आगे बाबू हो जाएगा इसीलिए स्लोप m बराबर क्या होता है dy बटे dx का वैल्यू किस पे, दिए गए पॉइंट 1 2 पे, और इसका आया है 6x स्क्वायर बटे 1 माइनस 6y किस पॉइंट पे 1 2 पे। अब 1 किसका है, x का कोऑर्डिनेट, तो 6 गुना 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 6 गुना 2 क्योंकि y की जगह 2 पुट कर देंगे, ऊपर बचेगा 6 और नीचे 1 माइनस 12 यानी माइनस 6 बटे 11 आंसर, यही आपका स्लोप। बात समझ में आई, आया समझ में ना, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये था दो, तीसरा नंबर देखिए स्लोप निकालने का। अब देखिए एक पॉइंट से तो समझ ही लिए, अब एक पॉइंट से गुजरने वाला, अब दो पॉइंट से गुजरने वाला, ठीक है। दो बिंदु दिया गया, क्या है दो बिंदु बाबू, या फिर ऐसे लिखे 1 पॉइंट ए बी से क्या कर रहा है, कोई लाइन गुजर रहा है, यानी ये जो लाइन है पॉइंट इससे गुजर रहा है यानी ए बी से, ठीक है। नहीं तो ए बी कह लेंगे, एक्स वाई लेते हैं ना, पॉइंट क्या है बाबू, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। चलिए ये पॉइंट आपका है एक्स वाई, ठीक है। एक पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू वन पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट है, अरे एक पॉइंट का मतलब क्या है, वहां पे एक्स और वाई दोनों का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये गुजर रहा है, इसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होता है बाबू एक्स माइनस एक्स वन बाय वाई माइनस वाई वन बराबर एम। एम क्या है, स्लोप है। स्लोप निकालने के देख रहे हैं ना, एक इक्वेशन से हमने क्या किया, स्लोप फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है कि किसी एक पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता, एक्स माइनस एक्स वन बटे वाई माइनस वाई वन बराबर कितना एम, यानी स्लोप। यहाँ से क्या करते हैं, एक्स तो वैल्यू ही है, ये एक्स वन वाई वन का मतलब है ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप एक्स वन वाई वन लिख सकते हैं, यहाँ भी एक्स वन वाई वन लिख सकते हैं, ये यहाँ पे एक्स वन वाई वन लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो भी पॉइंट रहेगा एक्स वन वाई वन का पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा इसका स्लोप, क्या निकल जाएगा, यहाँ से इसका स्लोप बना लोगे ना, बन जाएगा, पक्का बनेगा। चलिए
अब एक पॉइंट से गुजर रहा है तो उसका स्लोप भी तो फाइंड हो जाएगा बाबू। अब देखिए इसको एग्जाम्पल देने से पहले हमें चार नंबर लिखना पड़ेगा तभी होगा। फिर आगे देखिए स्लोप, हम हर तरह के स्लोप आपको फाइंड करने के लिए बताऊंगा। ये होता है टेन थीटा। अब एंगल दिया रहे तो वहाँ से भी हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं, यानी टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो स्लोप m बराबर हम थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे। और टेन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा बराबर होता है y बटा x, मॉड में रख सकते हो या फिर y बटे x ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं, सबसे पहले इफ एग्जाम्पल नंबर एक, इफ थीटा बराबर 45 डिग्री फाइंड स्लोप। तो बताइए एम बराबर क्या होगा बाबू, तो लिखोगे टेन थीटा, और इतना बराबर क्या होगा टेन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया है। टेन 45 का वैल्यू क्या होता है एक, यानी स्लोप कितना हो जाएगा वन। कोई भी एंगल दिया रहेगा यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। आगे सर जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तीन का भी एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ, देंगे चार समझने के बाद। एग्जाम्पल नंबर दो किसका, चार नंबर का। अब यहाँ पे दिया है फाइंड स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट 2-3। अब 2-3 से ये पास कर रहा है और इसका हमें स्लोप फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे। अब देखो ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, यहाँ से लिखेंगे चूंकि m बराबर क्या होता है टेन थीटा। अगर हम टेन थीटा का वैल्यू निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप निकल जाएगा ना। इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, बढ़िया से बता रहा हूँ, लिखेंगे चूंकि टेन थीटा बराबर होता है वाई बटे एक्स, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन उधर जाएगा, तो टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। ये वाई बटा एक्स हमेशा मॉड में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मॉड में सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, अच्छा काम करो, इसको हम लिख लेते हैं रूट थ्री, एंगल डायरेक्ट पता चल जाएगा। अब y का वैल्यू देखो कितना है बाबू, कहोगे सर रूट थ्री है, नीचे क्या देंगे x का 2। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो इस तरह, इसका वैल्यू क्या हो जाता है थीटा, साइन साइन के फॉर्म में हो। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे रहे टेन इनवर्स और यहाँ पे लिख दें टेन थीटा, तो बताइए क्या हो जाएगा थीटा सिर्फ आएगा कि नहीं। तो मैं रूट थ्री बटे टू को टेन के रूप में लिख देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि टेन 60 होता है भाई, नहीं होता तो फिर नहीं लिखेंगे। टेन 60 डिग्री का रूट थ्री बटा टू और फिर वन बटा टू, टू टू कट जाता है यहाँ से रूट थ्री, हाँ देखो नहीं हुआ। हम ऐसा वैल्यू लेना चाहते हैं कि जो कट जाए, और यहाँ से क्या कि कैलकुलेटर नहीं ना है, इसको वन ही लीजिए तब ना समझ में आएगा, वन ही लेते हैं, यहाँ पे वन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे वन, अब हो जाएगा टेन 60 डिग्री क्या। तो थीटा का जो वैल्यू आया है कितना आया है, टेन इनवर्स टेन खत्म, बचेगा थीटा यानी 60 डिग्री, काम खत्म। इसीलिए फ्रॉम वन से, कहाँ से, यहाँ से एम बराबर कितना है, कहोगे सर टेन थीटा है, क्या है टेन थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे टेन, टेन थीटा का मतलब क्या 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या रूट थ्री, ये क्या हो जाएगा स्लोप। तो हमने क्या बताया कि जब एक पॉइंट से एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो फॉर्मूला क्या बनता है बाबू,
एम बराबर टेन थीटा, और थीटा का अगर वैल्यू मुझे पता हो तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पहला एग्जांपल में हमने थीटा का वैल्यू ले लिया, दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया, पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को हमने टेन थीटा निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई की। इतना बराबर ये फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। एग्जाम में इतना प्रोसेस से नहीं बनाना है, ठीक है, जितना शॉर्टकट आप बना सकते हो। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तब वहाँ पर हम आपको फास्ट ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक ही है। तो फिर थीटा यहाँ से निकालने, टेन उधर गया इनवर्स, वाई बटा एक्स हमेशा मॉड में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको ये वैल्यू दे देगा पॉइंट, किस तरह जानते हो, वन माइनस रूट थ्री के रूप में या फिर माइनस वन रूट थ्री के रूप में। तो बताइए वैल्यू तो माइनस में आ जाएगा ना, तो उस माइनस को से बचने के लिए हम मॉड ले लेते हैं और फिर वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर दो से आपको समझ में आ गया, आपको कि सर समझ में आया, नोट कर ले, सारे पॉइंट को नोट करते जाइए। जब तक आपका ये बेसिक मजबूत नहीं होगा ना, तब तक हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा आपको समझने में। इसलिए हम चाहता हूँ कि पहले ही आपको पूरी तरह से ठोक ठाक के मजबूत कर दें, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब कहोगे एग्जाम्पल नंबर तीन का, जो तीन का इक्वेशन था क्या, एम बराबर एक्स माइनस एक्स वन बाय वाई माइनस वाई वन, ये इसका स्लोप है और इसको एक पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन भी है। अब यहां से एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू वन पॉइंट वन रूट थ्री। अब देखो यहां से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, यहां से इक्वेशन बन जाएगा। अब यहां से हमने क्या निकाला था स्टूडेंट्स, रूट थ्री, एम बराबर क्या था, रूट थ्री। अब यहां से देखिए इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, इक्वेशन। स्लोप तो डायरेक्ट हो जाएगा, जो प्रोसेस मैंने आपको बतलाया था, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, इक्वेशन बनाना सिखाएंगे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे m बराबर इक्कीस पॉइंट से y, सॉरी ऊपर में x है ना, x माइनस एक्स वन बाय वाई माइनस वाई वन, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन का मतलब क्या, पहला ये बटे y माइनस वाई वन मतलब क्या, रूट थ्री। अब यहां से स्लोप का वैल्यू क्या निकाले थे हम, रूट थ्री, यहां पे पुट कर दीजिए जैसे आपको निकालने के लिए सिखाया था, रूट थ्री बराबर x माइनस वन बटे y माइनस रूट थ्री, कोई दिक्कत। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से यहां, जब इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री y माइनस रूट थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत यहाँ से कहोगे, नहीं दिक्कत का होगा, फोन आ रहा है ना, आने दीजिए। एक काम करो बाबू, इस रूट थ्री को हम चाहें तो उधर ले जा सकते हैं या फिर इसके साथ गुना कर दीजिए, हम गुना कर देता हूँ, रूट थ्री वाई और रूट थ्री गुना रूट थ्री, ये तीन हो जाएगा बराबर एक्स माइनस वन। अब देखिए इसको तीन को मैं उधर ले चल जाता हूँ तो रूट थ्री बटे वाई बराबर एक्स, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस थ्री ये बन जाएगा एक्स प्लस टू, कोई दिक्कत। हम रूट थ्री वाई को अकेला कर दीजिए तो y बराबर रूट थ्री, जब इसको डिवाइड करेगा तो बन जाएगा वन बाय रूट थ्री एक्स प्लस दो बटे रूट थ्री, ठीक है। यहां से ये बन के क्या आया, इक्वेशन किसका, लाइन का इक्वेशन। अच्छा एक बात बताता हूं, यहाँ से जो हमारा स्लोप आ रहा है वन बाय रूट थ्री आ रहा है, और जब उसको सॉल्व किए थे
एक पॉइंट से गुजरने वाला यहाँ से स्लो हमारा आ गया था रूट थ्री। कहीं मिस्टेक लग रहा है क्या? यहाँ पहले देख लेता हूँ, एक्स माइनस एक्स वन बन ये बन जाएगा टेन थीटा रूट थ्री बटे वन, 60 डिग्री का ये वैल्यू है, कि हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन 60 डिग्री, और यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आया वो 60 डिग्री, इसलिए एम बराबर टेन थीटा यानी 60 का वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री। यहाँ तक तो ठीक है, मुझे लगता है यहाँ गलती हो रहा है, ये शायद हमारा लगता है ये ऊपर में होना चाहिए था, देख लेता हूँ एक बार, मिस्टेक भी हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, ऐसे तो होता है। y माइनस वाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस रूट थ्री बटे एक्स माइनस वन, ऐसे इसको नोट बगल में कर लीजिए, अभी कुछ नहीं करना, आप मिटाना नहीं, सिर्फ मैं चेक कर लेता हूँ कि शायद मैं ही गलत किया हूँ, ताकि इसका आंसर रूट थ्री आना चाहिए, ये रूट थ्री तो स्लोप निकला ही था, तो y माइनस रूट थ्री बाय एक्स माइनस वन था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस वन, तो रूट थ्री बराबर y माइनस रूट थ्री, इसको इस तरफ करेंगे तो y बराबर हो जाएगा रूट थ्री एक्स, और यहाँ से ये कट जाएगा यानी जीरो, अब सही है ठीक है, यानी एम जो आया है रूट थ्री। फार्मूला थोड़ा मिस्टेक हुआ था, फार्मूला सुधार लीजिएगा, कहाँ पे जाके एक फार्मूला आपको सुधारना है बाबू, ये वाला सुधारना है, ये वाला सुधार लीजिए, इसको सुधार लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, क्योंकि m जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए था, क्योंकि इसका हम प्रूफ दे सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m x माइनस एक्स वन, अगर हम y1 और x1 को जीरो कर दें तो y बराबर क्या हो जाएगा एम एक्स नहीं हो जाएगा, अपने मन से कुछ c दे दो, c का मान क्या जीरो भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, तो देखो फार्मूला बन गया ना पहले वाला, इसीलिए मिस्टेक किए थे फार्मूला लिखने में, आप लोग भी सही कर लीजिएगा, ऊपर में होगा y माइनस वाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन बराबर एम। अब यहां से हम आ जाते हैं ये वाला ना, तो देखिए क्या आया रूट थ्री, ये प्रूव्ड हो गया, हम डायरेक्ट चाहते तो फार्मूला से एक पॉइंट से गुजरने वाले बिंदु से गुजरने वाले लाइन का स्लोप टेन थीटा वाला फार्मूला से निकाल के दिखाए थे, उसी पे इसको बना लेते क्या, लेकिन हमने क्या किया कि इक्वेशन से हम कैसे इस फार्मूला पे लाएं, ये फार्मूला किस रूप में है, ये फार्मूला है बाबू वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, तो एक्स के साथ में जो एम है वही स्लोप है, यहाँ एक्स के साथ में रूट थ्री है, रूट थ्री क्या आया स्लोप, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फार्मूला इस तरह से बना के यहाँ से भी आप एक्स के साथ में जो नंबर आएगा उसको स्लोप के रूप में लिख सकते हैं, कितना बताया चार, यानी चार तरीका मैंने बतलाया आपको स्लोप फाइंड करने के लिए। कहीं कहीं बच्चे बोलते हैं कि सर जब दो बिंदुओं से गुजर रहा है तब क्या होगा, तो इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए, अगर दो पॉइंट से पाँच नंबर है, अगर दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है दूसरा बिंदु यहाँ पर है, दो बिंदुओं से होके गुजर रहा है, ये जो बिंदु है स्टूडेंट्स x1 y1 है और दूसरा बिंदु जो है ये x2 और y2 है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, यहाँ से हम लोग स्लोप भी निकाल लेंगे, यहाँ से जो स्लोप होगा बाबू क्या बनेगा, सबसे पहले इक्वेशन होगा यानी y माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू
एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, सिंपल फॉर्म में लिखाएंगे। बहुत सारे बुक में देखो y को y के साथ लिखेंगे, x को x के साथ लिखेंगे, बहुत सारे बुक में देखोगे वो भी सही रहता है, मेरा भी सही है, आपका भी सही, और सर भी कुछ पढ़ाए होंगे। जो इसका स्टार्टिंग जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसा ये बुक में देखने को मिलेगा, मैक्सिमम बुक में। सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। अब इसी को हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म में लिखे याद रखने के लिए कि y को y के साथ, x को x के साथ। अब देखो हमने कैसे किए, इस इक्वेशन से इसको कैसे बनाए, ऊपर में तो y माइनस y1 है, अब देखो ये वाला चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा और ये उठ के ये यहाँ आ जाएगा, ये जब यहाँ आएगा तो ये रूप लेगा, और यहाँ से जब उठ के जब यहाँ आएगा तो क्या ये रूप लेगा। कहीं कहीं आपको x वाला टर्म ऊपर, इसको उल्टा दो, जब इसको उल्टाओगे तो ये भी उलट जाएगा, तो ये यहाँ से बन के क्या आ सकता है ये बताइए, जब इसको आप उल्टाओगे तो ये बन जाएगा y2 टू माइनस वाई वन बाय वाई माइनस वाई वन, तो ये भी तो पलटेगा, इसको भी पलटाना है x2 टू माइनस एक्स वन बाय एक्स माइनस एक्स वन, सेम है दोनों, क्या है सेम। तो आपको याद रखना है इस दोनों में से कोई एक फार्मूला, ठीक, इस दोनों से कोई एक फार्मूला। अब दो पॉइंट का यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा, अगर मानिए यहाँ पे एक दो है और यहाँ पे फोर फाइव है, तो जहाँ पे एक्स वन है, सॉरी जहाँ पे बाबू एक्स वन है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक। तो अब बताइए एक्स वन की जगह वन पुट करेंगे तो कहाँ कहाँ पुट हो सकता है, यहाँ पे पुट हो सकता है, यहाँ भी पुट होगा, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, एक्स की जगह कुछ नहीं। अब देखो वाई वन, वाई वन कहाँ है, यहाँ पुट हो जाएगा। अब एक्स टू, एक्स टू यहाँ पे पुट होगा, और वाई टू फाइव यहाँ पे पुट होगा। पुट होने के बाद हमारा एक्स और वाई के रूप में वैल्यू आ जाएगा, देखिए यही पुट कर देते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है लिख लीजिए आप लोग, मैं सामने से हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ से देखिए हम स्लोप निकालेंगे, जब दो बिंदुओं से होकर कोई लाइन पास करता है तो वहाँ से स्लोप कैसे हम फाइंड करेंगे। पचवा नंबर है, और यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है पॉइंट है एक दो और चार पाँच, इस फार्मूला के पास आइए, ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन है मतलब दो बाय वाई टू, वाई टू का मतलब देखो ये फाइव, फाइव माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स टू कितना है फोर, तो फोर और माइनस वन सॉल्व करिए तो वाई माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वन बटे थ्री। अब देखो ये कट गया, ऐसा नहीं है कि कट ही जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन कट गया यहाँ पे, तो ऊपर में बचेगा वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो दो को उधर लेकर चल जाएंगे तो y बराबर कितना x प्लस वन, क्यों, क्योंकि जब दो आ जाएगा तो प्लस दो हो जाएगा तो माइनस एक घट जाएगा। अब देखो ये किस फॉर्म है, ये किस फॉर्म है, तो कहोगे सर ये है y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, तो x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है m, तो इसीलिए m बराबर, तो इस इक्वेशन में x के साथ में कुछ नहीं है तो क्या वन है, तो वन इसका स्लोप हो जाएगा वन। तो स्लोप के बारे में हमने डिटेल से बताया कि जब एक पॉइंट से गुजर रहा है तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन दिया रहे तो कैसे फाइंड करेंगे, थीटा का वैल्यू दिया रहे तो कैसे निकालेंगे, फिर दो पॉइंट से गुजर रहा है लाइन तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको सिखाया कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं एक प्लेन, एक लाइन से, इक्वेशन से, साथ साथ आपको हमने इक्वेशन भी सिखाया कि जब दो बिंदुओं से गुजरता है तो इक्वेशन ये बनेगा, एक बिंदुओं से गुजरता है तो इक्वेशन क्या बनेगा, और एग्जांपल भी लिए। आप लोग भी इसको अच्छे से एक दो बार वीडियो को देखिए, और क्वेश्चन अगर आपके पास है बुक में, जो बुक है उससे बनाइए, ठीक है, और आपको कुछ प्रैक्टिस दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।